नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की इस अपडेट में हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं और सोलन की पहाड़ी पर इस वक्त धूप खिली हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी इसी तरह का है कि मौसम हिमाचल प्रदेश में आज साफ रहेगा। कल भी इसी तरह का मौसम रहेगा। 11 दिसंबर से और 11 और 12 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में बारिश की और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना बनी हुई। हिमाचल प्रदेश में 11 और 12 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा, जिला कांगड़ा, जिला कुल्लू, जिला मंडी, जिला किन्नौर, जिला लाहौल स्पीति, जिला शिमला और जिला सिरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जिला सिरमौर की चूड़धार का क्षेत्र ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रेमपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मनमोहन जी का हम स्वागत करते हैं। बॉक्सर अमन जी हमारे साथ, बड़े दिनों बाद आज उनका मैसेज आया है तो उनका हम स्वागत करते हैं। नैना देवी शायद और सालिकराम जी हमारे साथ जुड़े हैं और सालिकराम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। इससे पहले हम जो सब्जियों के बुलेटिन दिखा रहे थे तो उसके दौरान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उनका हम बहुत बहुत आभारी भी हैं, स्वागत भी है। विपिन ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ धर्मपुर से, सोलन से, बड़े दिनों बाद जुड़ी हैं। बिंदिया ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। बालू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जग्गी सेमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी इस पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में यदि न्यूनतम तापमान की बात करें, क्योंकि प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और कड़ाके की ठंड है, शीतलहर प्रदेश में चली हुई है। पर्यटन स्थल जो हिमाचल प्रदेश के हैं, विश्व मानचित्र पर जो छाए हुए हैं, उसमें शिमला भी है और मनाली भी, डलहौजी है, बहुत सारे और अन्य पर्यटन स्थल है, लेकिन मनाली में जो तापमान है उसमें अब फिर से गिरावट देखने को मिली है। मनाली का एक बार फिर से तापमान माइनस में पहुँच गया है। केलांग का इस वक्त न्यूनतम तापमान भी माइनस में है और मनाली का न्यूनतम तापमान भी माइनस में है। केलांग के न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो -5.9 केलांग में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिस तरह से वहां पर तापमान है तो पानी भी पूरी तरह से वहां जाम हो चुका है। 5.9 माइनस में है यह टेम्परेचर और समुद्रों में भी -4.5 तापमान वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। समुद्रों में -4.5, मनाली में -0.8, कल्पा में 0.6, भुंतर में 1.8, नारकंडा में 2.5, मंडी में 2.9, सोलन में 3.8, क्योंकि हम बता रहे थे कि सोलन में बहुत ठंड है, और ऊना में 5.5 डिग्री सेल्सियस। और सुनील तनवर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं शिमला से और अंकुर ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी में बहुत ठंड पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2.9 के आसपास तापमान मंडी का है तो इससे तो क्लियर ही हो रहा है कि ठंड इस वक्त प्रदेश में हर जगह पर कड़ाके की पड़ रही है। विशेषकर यदि हम बात करें तो पहाड़ों की तुलना में जो निचले और मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि शिमला का न्यूनतम तापमान, ऊना का न्यूनतम तापमान नोट करें 5 डिग्री सेल्सियस है तो शिमला का 5.6 है। तो शिमला की तुलना में ऊना, सोलन, मंडी इस वक्त ज़्यादा ठंडे शहर हो चुके हैं। और यहाँ की कुसुम जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। घनश्याम राजपूत जी का स्वागत है। कुसुम जी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। और इन तीन शहरों में शिमला से ज़्यादा, इन तीन शहरों की जो रातें हैं वो शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंडी हैं। धर्मशाला में 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान की हम ये बात कर रहे थे। अधिकांश क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो हिमाचल प्रदेश में 11-12 दिसंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की
का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से इस तरह की स्थिति पे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वीरू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मनीष कुमार जी का स्वागत करते हैं। रिंकू हमारे जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौपाल में ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रशि ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में पूरे क्षेत्रों में, समूचे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त शीतलहर चली हुई है। और हालांकि पिछले दिनों कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जरूर हुई, लेकिन प्रदेश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर अभी बारिश नहीं हुई है। और लंबे समय से किसान भी इंतजार कर रहे हैं। ड्राई स्पेल प्रदेश में इस वक्त चला हुआ है बहुत सी जगहों पर, जहाँ पर करीब एक डेढ़ महीने से अभी बारिश नहीं हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का मौसम में बदलाव अब 11 और 12 को देखने को मिला है, मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि उन क्षेत्रों में भी बारिश होगी जहां पर किसान पिछले काफ़ी समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। दीपक प्रधान रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 10 दिसंबर तक बारिश की कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लेकिन 11 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को हिमाचल प्रदेश में मिल सकता है। कुलदीप ठाकुर जी का स्वागत है। प्रदीप नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सिरमौर में बहुत ठंड पड़ रही है जी, और सिरमौर की वो जानकारी दे रहे हैं कि सिरमौर में इस वक्त ठंड पड़ रही है। दीपक प्रधान रोली जी बता रहे हैं आज कैसा मौसम रहेगा। आज मौसम साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश में, ठंड लगातार बढ़ रही है, और इसमें यदि हम ठंड की बात करें तो अधिकतम तापमान में भी कई जगहों पर गिरावट देखने को मिली है। ऊना का अधिकतम तापमान इस वक्त 25.5 है, कांगड़ा में 23.8 है, सुंदरनगर का 23.5 है, सोलन में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सोलन के अधिकतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, कल 20 डिग्री सेल्सियस था, आज 22 तक पहुंचा है। चंबा भुंतर में 22 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस है, मंडी में 20.4 है, नाहन में 19.1 है, शिमला में 15.5 है, मनाली में 14.9 है, कल्पा में 13 डिग्री सेल्सियस है, केलोंग में 11 डिग्री सेल्सियस है, डलहौजी में 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी शहरों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम शहरों का तापमान अब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नेगी जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस मौसम के बुलेटिन में। बेली राम जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, और बेली राम जी का भी स्वागत है। प्रदीप नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। अखिल बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्नोफॉल की उम्मीद शिमला में। और बिल्कुल जी, इस बार तो मौसम जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बना है, तो उससे तो लग रहा है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस बार, जहां पर पिछली बार बर्फबारी देखने को नहीं मिली थी, इस बार बर्फ पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ लगातार सक्रिय हो रहे हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है, तो हिमपात नवंबर में भी हुए, अब दिसंबर के प्रारंभ में भी हुए हैं, लगातार हो रहे हैं। दिनेश ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पवन जी का पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है, और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें कि मौसम की यह अपडेट है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में न्यूनतम तापमान अब लगातार कम होता जा रहा है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। कार्तिक पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ मनाली से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। दिलीप ठाकुर जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। पवन जी का स्वागत है, और रविंदर सिंह ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि आज नालागढ़ में मौसम साफ है। रविंदर जी का हम स्वागत करते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और पंकज सिंह कौंडल जी का स्वागत है, मोहन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेखराम ठाकुर जी, मनाली में बर्फ की उम्मीद है, अब मनाली में भी बर्फ की उम्मीद है 11 से 12 के बीच में, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रदेश में इस बार बर्फबारी होगी, और जो निचले और मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। तो मनाली में भी बर्फ पड़ सकती है, इस तरह की संभावना जरूर बनी है। अब देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है, तो तभी पता लगेगा। मंडी में कब से बारिश है जी? मंडी में जिस तरह का मौसम, हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि मौसम में बदलाव अब 11 और 12 दिसंबर को देखने को मिलेगा।
पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसकी वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। बीच में कई बार हमने देखा कि पश्चिम विक्षोभ जरूर सक्रिय होते हैं, लेकिन उस दौरान कई बार बारिश भी नहीं होती, ना बर्फबारी होती है, और उम्मीदें लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। प्रदीप नेगी जी हमारे को से जुड़े हैं पांवटा साहिब से, उनका हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेन सिंह जी लगातार अभी पिछले कुछ देर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है पंजाब केसरी के बुलेटिन में। और राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। रोहित जी बता रहे हैं कि कब बर्फ पड़ेगी शिमला में, अब देखते हैं जी। मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिला है 11 से 12 के बीच में, तो हो सकता है कि किस तरफ आपको बर्फ देखने को मिले। लक्की सिंह जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और लगातार गोकुल जी मैं शिकारी देवी और कमरू नाग की जानकारी देते हैं कि बता रहे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ है। मंजीत सिंह जी जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। गोकुल ठाकुर जी का स्वागत है। लक्की जी और सुरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोनू कालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। निगी पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अनिल जी नौराधार से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। रोहित जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। माला जी का स्वागत है पंजाब केसरी के बुलेटिन में। प्रेमलता शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लक्की सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। शीतू शर्मा जी का स्वागत है, और सभी दर्शकों को आज का दिन सभी दर्शकों का शुभ हो। भगवान से, माता रानी शूलिनी माता से हमारी यही प्रार्थना है। और मौसम की अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। प्रेम लता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मौसम में बदलाव 11 और 12 दिसंबर को बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। नीतू कटोच जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। लक्की जी जुड़े हैं, और लक्की जी सभी दर्शकों का भी स्वागत कर रहे हैं पंजाब केसरी के माध्यम से। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और अजीत राणा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। पम्मी राजपूत जी का भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है, और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए नरोत्तम राम जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। संतराम नेगी जी का भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में 11 और 12 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हमारा नहीं, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और मौसम विभाग की माने तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में इस वक्त शीतलहर चली हुई है, कई शहरों में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। केलांग की बात करें तो वहां पर कई दिनों से माइनस में ही तापमान चला हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास माइनस में वहां पर तापमान है। समुद्रों में तापमान में भी वहां पर भी माइनस में है। और मनाली पर्यटन नगरी जो हमारा क्षेत्र प्रमुख पर्यटन स्थल है मनाली, और वहाँ पर भी इस वक्त माइनस में तापमान चला हुआ है। तो कुल मिलाकर बाकी शहरों में भी यदि हम बात करें शिमला की, तो वहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। ऊना में भी इसी तरह का तापमान है, शिमला से ज़्यादा ठंड इस वक्त ऊना मंडी और मंडी में पड़ रही है, शिमला मंडी और ऊना में। और उसकी वजह यह है कि यदि हम जानकारों की माने तो दिन के समय इन क्षेत्रों में जो धूप है वो काफ़ी होती है, तो मौसम साफ है, क्योंकि मैदानी और निचले क्षेत्रों में मौसम साफ होने की वजह से धूप अधिक पड़ती है। तापमान में दिन के समय थोड़ा अधिकतम तापमान बढ़ा भी हुआ है। जब रात के समय वहाँ से गर्म हवाएं पहाड़ों की ओर चलती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो पहाड़ है वो थोड़े गर्म है मैदानी और निचले क्षेत्रों की तुलना में। और यही वजह है कि शिमला में जो न्यूनतम तापमान है वो मंडी ऊना और शिमला सोलन से ज़्यादा है। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। सुमन वत्स जी का स्वागत है। संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत करते हैं। नालागढ़ में मौसम साफ है जी, और आज और चिंताएं किसानों की पानी से जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो ड्राई स्पेल है वो बहुत लंबा होता जा रहा है। और संजीव चौधरी जी भी इसी तरह की अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि लगाने से लेट हो रहे हैं जी,
पानी कनक में, और क्योंकि गेहूं की बिजाई हुई है, पानी की ज़रूरत है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो ये इस तरह की चिंताएं किसान कर रहे हैं। देहरादून में मौसम साफ है। रेखा ठाकुर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। गुलाब सिंह ठाकुर जी की तरफ से सबको, सभी दर्शकों को नमस्ते हैं, और गुलाब जी को भी नमस्ते हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रताप सिंह जी का स्वागत है, बदन गुजर जी का स्वागत है, और पंकज गौतम जी का हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। मोहनलाल जी हमारे दर्शक नियमित रूप से, तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, उनका हम स्वागत करते हैं। ऊना में मौसम साफ है, इस तरह की वो जानकारी भी दे रहे हैं, और दर्शकों के माध्यम से हमें बहुत क्षेत्रों की जानकारी भी मिली कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम है। लेकिन मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान हमने बताया कि 11 से 12 दिसंबर के बीच में मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहता है, तो 11 और 12 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन ठंड प्रदेश में बढ़ गई है, चाहे हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, चाहे फिर निचले क्षेत्रों की बात करें, फिर मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, या उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर ठंड कड़ाके की पड़ रही है। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान इस वक्त माइनस में है, उसमें केलोंग भी है, समदो भी है, तो वहाँ पर माइनस में है। मनाली में इस वक्त माइनस में तापमान चला हुआ है। बाकी जगहों पर भी तापमान, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे से इस जुड़ाव के लिए। कल हम आपके साथ इसी वक्त फिर से जुड़ेंगे। तस्वीरें आपको एक बार फिर NH5 की हम दिखा देते हैं कि जिस तरह की ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, तो उसका असर आप रोड पर भी देख सकते हैं कि NH पर आज उस तरह की चहल पहल नहीं दिखाई दे रही। वाहनों की आवाजाही उस तरह की नहीं है जैसे पिछले दिनों देखने को मिल रही थी। तो इस तरह का मौसम है, प्रदेश में ठंड पड़ रही है। सोलन की आप तस्वीरें एक बार देख सकते हैं कि सोलन अपने नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है, और यहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। चाहे गर्मियों की बात करें या सर्दियों की बात करें, तो काफ़ी अच्छा सुंदर शहर सोलन है। और तस्वीरें आप सब्जी मंडी की, फल मंडी के आसपास की देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किसान सब्जी मंडी में ब्रोकली लेकर अब पहुँचे हैं, और किसानों की मेहनत देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, बाइक पर यहाँ पर सब्जियाँ लेकर आ रहे हैं, मौसम में इंतजार बारिश का वो कर रहे हैं। तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह के सब्जियों के भाव रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत